चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, 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 गुंडागर्दी रात को घटना हुई है, एक हमला हुआ है दुकानदारों पर, तो कहां तक मामला पहुंचा पुलिस से मिलने? कल की जो शाम की वारदात हुई है उसमें दो बच्चे हमारे काफी जख्मी हैं, वो अभी अमृतसर में रेफर हुए हैं, दोनों की एक की बाजू कट गई, एक को सिर को चोट आई हुई है, उनके ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन हम पुलिस स्टेशन रामगढ़ में आए हुए हैं। इन्होंने अभी तक इनकी कार्रवाई डेली थी जी, हम पुलिस स्टेशन में बताने आए हैं, अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की कल 10 बजे तक हमने इन्हें टाइम दिया, हम इस पे प्रोटेस्ट करेंगे, एसएचओ रामगढ़ को घेरने की कोशिश करेंगे, एसएसपी सांबा को घेरने की कोशिश करेंगे, 24 घंटे का हमने टाइम दिया, अगर नहीं कार्रवाई हुई तो हम प्रोटेस्ट जबरदस्त प्रोटेस्ट करेंगे, विजयपुर नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे जी, आज बताने के लिए हम पुलिस स्टेशन रामगढ़ में आए हैं। शहर के बाजार के सारे लोग और पूरे टाउन के लोग हमारे पुलिस स्टेशन रामगढ़ में इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारे रात का जो इंसिडेंट हुआ है, श्री मदन लाल चौधरी जी उनके बेटे हैं दो, उनको काफ़ी किसी अज्ञात व्यक्तियों ने, वो तीन लड़के थे जिन्होंने आगे अटैक किया उनको शाम को, एक तो उसका बच्चा भी उठाने की कोशिश की है, पर लेकिन वो दोनों भाई उन पर भी टूट पड़े, तो ये खाली हाथ थे, इनको काफ़ी इंजर्ड हुए, एक ही बाजू कट गई है और हेड पे भी चोट आई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है और सीरियस कंडीशन है, उनको अमृतसर में रेफर करवाया है, उनका अभी तक एक अपडेट चल रहा है सुबह से लेके अभी तक, तो अभी तक उनकी सिचुएशन भी बिल्कुल क्रिटिकल बनी हुई है। हम जहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए, परिवार के लोग उनके वो काफ़ी तनाव में है, तो सारे बाजार के लोग, ताकि डर का माहौल बना हुआ है पूरे रामगढ़ टाउन में, ताकि ये जो अज्ञात लोग हैं, जो नशाखोर हैं, जो नशाखोरी करते हैं, इनका क्या मोटिव था, पैसे लूटने का था या उसका बच्चा किडनैप करने का था या क्या है, हम इसलिए सारे लोग इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन रामगढ़ में आए हैं, और इनको पुलिस भी आश्वस्त कर रही है हमें कि हम भी अपनी कार्रवाई पे लगे हुए हैं, बट लेकिन सारी जनता इकट्ठी होकर आई है, ताकि आज रात के 15-16 घंटे हो गए हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक वो लोग ट्रेस नहीं हुए हैं, तो इसलिए हम सारे लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे आए हैं, ताकि इस कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, और जो दोषी है उनको पकड़ के जेल में किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हुआ एक दुकानदार पर कातिलाना हमला हुआ, तो लोग आज पुलिस स्टेशन रामगढ़ में इकट्ठा होकर आए, क्या आश्वस्त किया आपने? देखो, रात को जो इंसिडेंट हुआ था उसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर पर्चा दिया है उन लोगों के खिलाफ, तो हम रात के लगे हुए हैं कोशिश कर, पूरी पुलिस हमारी बाहर थी, अभी बाहर ही हम जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं हमारे बाजार में उसको हम खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं, और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम उन कल्प्रिट्स को जल्दी से जल्दी इधर कटहरे में खड़े करेंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपका।